अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मुझे आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करने हैं, और आप लोग ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंड तक वॉच कर लीजिएगा। वैसे मुझे इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे जल्दी से कन्फ्यूजन्स क्लियर करने हैं। देखिए, पैशन इज़ बेसिकली, आप लोगों को पता है कि इट्स एक्साइटमेंट। आई डिफाइन पैशन इज़ एक्साइटमेंट। ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को एक्साइट करें कुछ करने के लिए, वो पैशन कहलाता है। ठीक है, हम लोगों को पैशन का मतलब तो पता होता है, लेकिन अपने पैशन को पहचानना नहीं आता। जैसे कि, और पैशन, रिमेम्बर, पैशन इज़ वन थिंग जो आपके अंदर बचपन से होती है, और वो अगर आपको पहचानना है तो आप अपने आप को बचपन में अपने लेकर जाना। बचपन से जो स्किल्स आप पढ़ते रहे, आपने मिडिल स्कूल पढ़ा, हाई स्कूल पढ़ा, फिर देन आप कॉलेज लेवल पे आए, अब आपने जो देखा कि इस दौरान आप पहचानते हो अपने आप को कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, इससे आप पता चलेगा कि ऐसी कौन सी फील्ड है जो आप पर सेट होती है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं बचपन से अपने अंदर एक चीज़ मैंने की है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, सोल्यूशन स्किल्स, आई ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस टू थिंग्स रादर मेकिंग इट अ होल प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने पहले नोट की और मैंने फिर सोचा कि मुझे कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, और आइदर इट इज़ बेटर फॉर मी टू मेक दिस फील्ड, और फिर मेरे मैं ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे पसंद है, इसके बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा तो लग रहा होता है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं कि हमें ऐसा लगता है आगे जाके इसमें वो जो चीज़ें आएंगी क्या हम उस क्या वो पढ़ के हमें अच्छा लग रहा है, तो हमें उसके बारे में रिसर्च बहुत करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिसर्च स्किल्स के बारे में भी बताऊँगी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो पैशन को आप अपनी टॉप प्रायोरिटी दें, कि इवन अगर आपने पैशन के बिना, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, वो कर भी लिया, तो एट द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू जॉब और आपको पसंद नहीं आ रही होती, तो आप एक जिम्मेदारी और बोझ समझ के वो काम कर रहे होते हैं। पैशन, अगर पैशन से कोई जॉब लेता है, पैशन से जो कोई काम करता है ना, वो इनोवेशन लाता है चीज़ों में। जो पैशन से काम नहीं करता, वो चीज़ों में इनोवेशन नहीं लाता, और यही वजह है हमारे माशरे का जो बैकयार्ड, जो हमें बैक में लेकर जा रहा है, जो हमें बैकलॉग कर रहा है, वो यही है कि हम लोग इनोवेशन को कुछ समझते नहीं है, पैशन को कुछ समझते नहीं। दैट्स इट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो पड़ेगा। जब हम पैशन के हिसाब से सोचने लग जाएंगे, उसी दिन हम ये क्लियर हो जाएगा हमें कि इनोवेशन क्या चीज़ होती है, और फिर इनोवेशन कैसे की जाती है, और फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े लेक्चरर्स, टीचर्स भी, इवन पैशनेट टीचर्स तो बहुत पैशनेट होने चाहिए, वो फिर हमारी कंट्री में डेवलप होंगे, फिर उनसे हमें जो है फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैंने आपको पहला कन्फ्यूजन आपसे जो है दूर कर दिया है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कन्फ्यूजन के बारे में डिटेल में बात करूँगी, बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक। सो आई थिंक एक एक क्वेश्चन को इस पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।